गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 4। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा के वेरीफाई करा दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। आई होप आप सब ने क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक HW में कर लिया होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। कह रहा है, लुक एट द शेडेड पार्ट ऑफ ईच पिक्चर एंड राइट द नंबर्स एंड वर्ड हाउ मच आर। शेडेड पार्टीज, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो फिगर क्या है बेटा? फर्स्ट फिगर है हमारे पास कुछ इस तरह से, एक सर्कल है। तो इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं? 3 पार्ट्स। थ्री पार्ट शेडेड है ना। इसको क्या लिखेंगे देखो, कुल टोटल पार्ट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने पार्ट है? 8। तो 8 को लिखते हैं नीचे, और कुल कितने शेडेड है? 3। तो क्या हो जाएगा ये? 3/8। तो ये क्या है बेटा हमारा वर्ड में? 3/8। ओके। नाउ सेकेंड देखो, ये हमारा शेडेड पार्ट है। ओके, नाउ टोटल पार्ट कितने देखो, 1 2 3 4। टोटल पार्ट है 4। कितने में से शेडेड है? 2। ये क्या बेटा हमारा? 2/4। ओके, इजी है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा, सो द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? सो द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। आई होप आप सबने किया होगा फर्स्ट बेटा हुआ। चलिए, इसका मतलब हम सभी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि नंबर लाइन पहले 4 ले लेना, उसके आफ्टर जो भी होगा उसका 2 पार्ट्स करेंगे, 2 पार्ट्स में एक पार्ट हम ले लेंगे, है ना। तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। यूं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। इसका मतलब समझो, पहले तो 4 तक पहुंच जाओ, उसके बाद जो भी है उसको क्या करो, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। तो मैं 4 और 5 को 2 इक्वल पार्ट्स में करूंगा, तो यहाँ से होगा बेटा, इसमें क्या करना है, एक पार्ट हमें ले लेना, मतलब ये वाला पार्ट हमें ले लेना है। तो ये किसको शो करेगा? 4:1/2 को शो करेगा। ओके, आपने भी बिल्कुल वैसे ही किया होगा। सेकेंड 3:3/4। सेकेंड है आपका 3:3/4। नाउ नंबर लाइन ड्रॉ करो बेटा, आपको किससे करनी है? विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, रफेन नहीं करना है आपको। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, नाउ फिर क्या हमारा? 3:3/4। तो पहले 3 तक चल लो, तो देखो यहाँ तक चल लिए। अब उसके बाद वाले का क्या मतलब है? कितना है यहाँ पे? 4 है। 4 है तो मतलब उसके बाद वाले को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 1, 2, 3, 4। अब उसमें से कितने पार्ट्स लेने? 3 पार्ट्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, मीन्स ये वाला। तो इस हिसाब से हमारा ये हो जाएगा बेटा 3:3/4। ओके, नाउ थर्ड है 2/3।
थर्ड क्या है बेटा हमारा, इधर देख लो, थर्ड है हमारा 2/3, मतलब इसमें चलना ही नहीं है, सीधे जीरो के बाद ही स्टार्ट कर देंगे। ये देखो हमारी नंबर लाइन हो गई 0, 1, 2, 3। नाउ जीरो के बाद लाइन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में, है ना 3। तो ये 1, 2, 3, और उसमें से क्या लेंगे हम 2, मीन्स ये वाला, और ये हो जाएगा आपका 2/3। किसको शो कर रहा है बेटा, ये 2/3 को शो कर रहा है। ओके, आई होप आप सबने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा। स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो एक बार। कंटिन्यू करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नौ क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, इस बार इसने बना के रख दे रखा है, हमें इसको करना है, लिखना है, देखते हैं। 8 इस तरह से है बेटा, तो बेटा इस तरह से उसने बना रखा है। आप अपनी बुक को रख लीजिए अपने पास में और उसमें हम देखते हैं। चलो सबसे पहले को लिखते हैं, देखो 0 है मतलब आगे कुछ भी नहीं आएगा। अब कुल कितने पार्ट्स हैं वो काउंट करो, देखो 1 पार्ट 2 3 4 5, कुल कितने पार्ट्स बने, 5 पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स जो है तो नीचे लिख दिए जाएंगे। कौन से पार्ट पे है देखो, 1 2 3, 3 वाले पार्ट पे है, ये क्या है हमारा 3/5 ना बेटा। इसमें आ जाओ जरा, देखो टोटल पार्ट्स, देखो ये 5 तक चला है तो मतलब आगे कौन आएगा, 5 आएगा। चलो जी ना टोटल पार्ट्स काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें लाइंस नहीं काउंट करनी है, ध्यान रखना, बीच में जो ब्लॉक है वो काउंट करने हैं, कुल 8 ब्लॉक हैं। तो टोटल हो गया 8। अब इसने कौन से पे ले रखा है जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7, किस पे ले रखा है, 7 पे।
तो ये हो जाएगा 5 and 7/8, 7/8 है ना। इसमें पार्ट्स काउंट करो, 1 part, 2 part, 3 part, 4 part, 5 part, 6 part, 7 part, 8 part, 9 part, कुल कितने पार्ट हो गए, 9 पार्ट्स। इसमें फिर से काउंट कर लो बेटा, शायद लाइन ज़्यादा हो गई, 7 ही होने चाहिए थे, तो एक हटा दो, ये हमारा यहाँ 9 हो गया। तो कुल कितने पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स। अच्छा किसके आगे, 8 के, तो 8 एंड टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8 पार्ट्स। कितने पार्ट है बेटा, 8 पार्ट्स। उनमें से कहाँ पे कवर किया है, देखो 1 part, 2 part, 3 part, 4 part, 5 part, कौन से पार्ट को कवर किया है, 5 पार्ट को। तो 8 and 5/8 or 8 5/8, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 8 का फर्स्ट था ना, चलो ये सेकंड भी देख लेते हैं यहीं पे। काउंट करो, चलो देखो 50 पहले ही क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ तो हो जाएगा 50 is to now 1, 2, 3, 4, या पार्ट्स काउंट करो, 1 parts, 2 parts, 3 parts, 4, और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स हो गए 5। अब इसमें से देखो लाइंस को मत काउंट करना बेटा, ये बॉक्स, ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना, इन टुकड़ों को काउंट करना, कुल कितने पार्ट्स बने हैं, ठीक है। देखो 1 part, 2, 3, 4, 5 parts, अब इसमें से कितने पार्ट्स कवर किए इसने, 1, 2, 3, कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स। तो 50 is to 3/5 ना, यहाँ पे देखो कुल कितने पार्ट हुए, 53 और 54 को, 1 part, 2 part, 3 parts, कितना है 53 के आगे, यहाँ से हो जाएगा 53 is to 3, और ये कितना हो जाएगा 1, और कितने कवर कर रहा है ये, 2 पार्ट्स को, 1, 2, दिस इज़ योर 50 and 2/3। ओके बेटा, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 6 कंप्लीट होती है। अब हम फटाफट एग्जामिनेशन टाइप करेंगे, ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया, देखो एग्जामिनेशन टाइप आपका मल्टीपल ऑप्शन है, इसको करते हैं हम जल्दी से। नो बेटा, देखो एग्जामिनेशन टाइप शुरू करते हैं। कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट सिंबल। देखो 3 plus 1/2 and 3 plus 1/3, देखो 3 में तो दोनों में इक्वल है, तो बचा क्या 1/2 and 1/3। चलो एक कोई
टू इक्वल्स थिंग ले लूँ, मान लो मैंने ये दो बराबर चीज़ें ले ली, एक को टू पार्ट्स करो और एक को थ्री पार्ट्स करो, इसमें ये शेड करो, इसमें ये शेड करो। अब अगर हम दोनों को मिलाएं तो देखो बेटा ये इसमें इतना ये एक्स्ट्रा हो रहा है ना, कौन से वाले में, इस वाले में, मीन्स ये तो दोनों के साथ ये तो, ये तो इक्वल ही है, तो ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो सिंबल किधर का लगेगा, इधर का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, वन का बी किधर है, इधर की ओर। ओके नाउ टू में आ जाओ। ईच विल गेट डैश डैश चपाती इफ वन चपाती इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री पर्सन्स। एक चपाती को थ्री पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये है आपकी चपाती, थ्री में कर दिया तो कुल कितने पार्ट्स की बेटा, थ्री, और ये कौन सा है, वन, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, तो कितना आ जाएगा इसमें, डी वन बाई थ्री पार्ट्स, डी वन बाय थ्री पार्ट्स। नाउ बेटा ईच विल गेट डैश डैश चपाती इफ थर्टीन चपाती आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फोर चिल्ड्रन। कितनी चपाती है, थर्टी, चलो डिवाइड करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। थर्टीन चपाती को कितनों को देना बेटा, फोर। देखो कितने स्टूडेंट्स, फोर स्टूडेंट्स। ओके नाउ एक एक शुरू करते हैं, चलो एक इसको मिला, एक इसको दे दिया, ऐसे नहीं दे रहा एरो से, ऐसे देखो, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दे दिया। नाउ फिर से वन इसे दे दिया, वन इसे दे दिया, वन इसे दे दिया, वन इसे दे दिया। नाउ अगेन वन इसको दिया, फिर से वन इसको दे दिया, वन इसे दे दिया, नाउ वन गेव टू हिम। ओके नाउ लास्ट एक रह गई, अभी देखो कितनी आ गई इनके पास, वन टू थ्री, थ्री थ्री आ चुकी है ना, थ्री थ्री थ्री। नाउ जो बचा वन इसमें कितने पार्ट्स करेंगे बेटा, फोर पार्ट्स है ना, तो वन कितने पार्ट हुए, फोर, और कितना मिला, वन, फोर पार्ट हुए मिला वन, फोर पार्ट हुए मिला वन, तो बोलो कितना मिले, थ्री चपातीज एंड वन फोर्थ, अगले वाले का कितना मिला, वन फोर्थ है ना, तो थ्री इज टू वन बाई फोर्थ कौन सा है आपका, है ये बेटा डी ऑप्शन है ना, कौन सा है आपका, ये डी ऑप्शन, थ्री इज टू वन फोर्थ। ओके ना नेक्स्ट वाले को एक बार आप ट्राई करो। ओके ना बेटा नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है, हाउ मच नंबर्स कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन। कितने शो कर सकते हैं बेटा, इनफाइनाइट, फटाफट टिक करो, कितने शो कर सकते हैं, इनफाइनाइट, फोर में क्या हो जाएगा, डी इनफाइनाइट। ओके फाइव देखते हैं, कह रहा है टू इज टू वन फाइव कैन बी रिटेन एज टू एंड वन फिफ्थ, देखो कहाँ लिखा है, टू एंड वन फिफ्थ, फर्स्ट ही फर्स्ट, ए टू एंड वन फिफ्थ। ओके नाउ सिक्स ऑप्शन देखो, फाइव इज टू थ्री बाई कैन बी रिटन इन द वर्ड्स एज फाइव एंड टू बाई थ्री टू थर्ड, देखो कहाँ लिखा है, फाइव एंड टू थर्ड, बी फाइव एंड टू थर्ड, फाइव एंड टू थर्ड। ओके नाउ सेवन, शेडेड पार्ट फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज थ्री बाई सिक्स, देखो कहीं दिख रहा है, थ्री बाई सिक्स, सी ऑप्शन, थ्री बाई सिक्स, क्यों, सिक्स पार्ट है उसमें, कितने शेडेड है उसमें काउंट करो, थ्री। ओके नाउ एट, टू एंड थ्री फिफ्थ कैन बी रिटन एज, देखो क्या कह रहा है, टू एंड थ्री फिफ्थ कैन बी रिटन एज, जैसे कौन लिखा हुआ है, ए ऑप्शन, कौन सा, ए ऑप्शन है ना। नोट डाउन करते चलो बेटा, ये हमारा फाइनल लेक्चर है, इसमें हम इसको ख़त्म करेंगे। नाउ नाइन देखो कह रहा है, शेडेड पार्ट इन द फॉलोइंग फिगर कैन बी रिटन एज, देखो शेडेड पार्ट काउंट करो पहले, टोटल पार्ट्स कुल कितने पार्ट्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट पार्ट्स हैं, ठीक है, तो टोटल एट पार्ट्स हैं, तो क्या बनेगा, देखो टोटल तो एट, कितने उसमें से शेडेड है, फोर, तो फोर बाई एट कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, बी,
नॉट टेन, फोर एंड थ्री फिफ्थ कैन बी रिटन एज, देखो क्या कह रहा है, फोर जो कह रहा है वही लिख दे रहा हूँ, फोर एंड थ्री फिफ्थ कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। नौ इलेवन देखो कह रहा है शेडेड पोर्शन वन थर्ड ऑफ द फॉलोइंग फिगर, चलिए करते हैं कैसे होगा, सर्किल है तो एक पार्ट को शेडेड कर दो, यू हो गया। नौ ये है आपका इस तरह से, तो एक पार्ट को क्या करो आप शेडेड कर दो, बस हो गया, ये क्या हो गया वन थर्ड। नौ ट्वेल्व कह रहा है लुक एट द शेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर, राइट इन द नंबर्स एंड वर्ड हाउ मच शेडेड पार्ट इज, देखो कुल कितने पार्ट्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट में से कितने कलर्ड हैं, वन टू थ्री फोर, तो ये हो जाएगा फोर एट, क्या लिखेंगे फोर एट, ओके। नौ बेटा आज आपकी एक चैप्टर जो है सिक्स कंप्लीट होता है, बाकी जो है नया चैप्टर हम उसको नए लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से सारा सब कुछ एच डब्ल्यू में कंप्लीट कर लेना, आपका होमवर्क यही है कि कंप्लीट एक्सरसाइज सिक्स एंड एग्जामिनेशन टाइप इन एच डब्ल्यू, बस प्रैक्टिस करने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।